रविवार को देर शाम भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद पंकज चौधरी ने इंटरसिटी और मैलानी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए किया। इस दौरान ब्रजमनगंज के भाजपा नेता जयप्रकाश गौंड ने कार्यक्रम में IDRM को स्टेशन से संबंधित समस्याओं को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षण काउंटर प्रारंभ करना, पेयजल, यात्रियों को ठहरने के लिए विश्रामालय, बैठने के लिए छाजन युक्त सीट, CSC ढाला को खोलने की संबंध में ज्ञापन देकर मांग की शीघ्र अतिशीघ्र इन सब सुविधाओं को स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को प्रदान किया जाए। हम जो है ब्रजमनगंज आज़ादी से पूर्व का स्टेशन है और आज भी यहाँ बुनियादी सुविधाएँ बोल रही हैं। ये गवर्नमेंट ट्रेन स्टेशन सरकार है। हमारी बुनियादी समस्या बहुत छोटी थी। हमारे यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था, यात्रीगण के लिए कुर्सियों की व्यवस्था अच्छी है, ये जल की बेहतर व्यवस्था है और यहाँ ये बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ नौतनवा से लेके मेहताव तक के लोग यात्रा करेंगे, इधर हमारे लहरा से लेके उसका तक के लोग यात्रा करेंगे। यहाँ एक वेटिंग हॉल है, जब जैसे कि दोनों ट्रेनिंग दोनों ट्रेनों का ठहराव यहाँ होता है तो साथ में परिवार लेकर कोई आता है तो घर नहीं जा पाएगा, तो मतलब वेटिंग हॉल रहेगा, तो जो भी उसके शुल्क होंगे उसको देख के यहाँ विश्राम करने का सुबह मिल जाएगा। इसी व्यवस्था हमारी है, जो भी यहाँ पेयजल की व्यवस्था है पूरी तरह से हो जाए और हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए यहाँ शुल्क शौचालय की व्यवस्था की जाए, जो भी सरकार के उसमें चल रही है योजना भी चल रही है, उन्हें इतनी शौचालय की व्यवस्था हो जाए कि माँ बहनों के लिए एक दिन शौचालय हो जाएगा, किंतु साधन का काम उपयोगी हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ब्रजमनगंज इस रेल का स्टेशन है तो ये बादल से सटा हुआ स्टेशन, इसका उत्थान होना जरूरी है और आज तक ये आज़ादी के पूर्व का स्टेशन है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया रेलवे के लोगों को। और इस बार सारे अधिकारी और हमारे वित्त राज्य मंत्री और माननीय वजन महादेव जी के द्वारा दोनों ट्रेनों का ठहरा हुआ है, इसके लिए उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जो भी हमारे नेतागण इस संघर्ष में इस ट्रेनों के रोकने के लिए साथी रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि ब्रजमनगंज ऐसा स्टेशन बने कि आइडियल स्टेशन के रूप में आगे चल के आगे, जिससे कि यहाँ जो भी सुविधाएँ आती हैं हमारे नागरिक हमारे यात्रियों के लिए सब, हमने जलपान के लिए व्यवस्था के लिए माननीय दयानंद साहब से आवेदन किया है, उन्होंने कहा है कि 20 दिनों के अंदर हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे और कुर्सियाँ, शौचालय और जलपान के लिए, और PRS के लिए हमने बोला है कि जन आरक्षण केंद्र शीघ्र हम करेंगे, लेकिन समय उन्होंने निर्धारित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कैमरा मैन का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का बोले मैं वंदन अभिनंदन आदि धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।